हमारा कॉस्मेटिक्स एकदम यूजलेस हो गया है, लिपस्टिक्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आई मेकअप करना हो कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे स्पेक्स वाले लोग वो भी नहीं कर सकते। तो आज मैंने, ये देखो मैंने हाथ में रखा है, बहुत सारा सामान मैंने निकाल दिया जो यूज़ ही नहीं हो रहा है और यूज़ होना भी नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ अभी कि मैं और क्या क्या इसमें निकालना चाह रही हूँ। तो हम आ गए मेरे बाथरूम में और ये देखो आप, ये मेरा सारा कॉस्मेटिक स्किन केयर जो भी है मैं सब इन दोनों अलमीराज में रखती हूँ। हेयर प्रोडक्ट्स है कोई वैल्यू नहीं क्योंकि इतनी गर्मी है और मैं तो कोविड से भी ठीक हो गई हूँ, कहाँ यूज़ करूँगी। अच्छा ये सब तो चलो स्किन केयर और डेली यूज़ की क्रीम्स हैं, ये यूज़ हो जाएंगी। मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हटाई हैं। ये सेट मुझे अभी पेडिक्योर का भैरवी ने भेजा था, ये मैंने एक बार यूज़ किया, मैं इसका आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। ये सब यूज़ की चीज़ें हैं, यहाँ से मैंने एक दो छोटी छोटी चीज़ें हटा दी हैं। अब अगर हम नीचे वाले में आ जाएं, ये देखो आप, ये किट तो मेरा बहुत काम आया था, आप मेरी वीडियोस में देखना। ये पेडिक्योर किट था, ये तो मैंने हॉस्पिटल में बहुत यूज़ किया जब मैं थोड़ा ठीक हो गई थी। यहाँ पर मैंने एक DIY करके किसको सपोर्ट दिया था, और यहाँ अपने आई पेंसिल्स और ये देखो आप मस्कारा ये रखा था। यहीं से मैंने ये अपनी सारी पुरानी आईब्रो पेंसिल्स हटा दी है, एक मस्कारा भी मैंने फेंक दिया जो कि बहुत पुराना हो गया था। तो नेल पेंट्स हैं, नेल पेंट अभी सारे ठीक है मैंने देखे थे। ये कुछ और चीज़ें हैं इसमें भी, ये दो लिपस्टिक्स एलिजाबेथ आर्डन की हैं लेकिन यूज़ नहीं हो रही है तो मुझे लग रहा है इन दोनों को भी मैं फेंक देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। वैसलिन बहुत पुराना है, ये लैक्मे लिपस्टिक बहुत पुरानी है, इसको भी फेंक देती हूँ। ये आ गया यहाँ, ये लैनकॉम की लिपस्टिक भैरवी ने मुझे दी थी लेकिन यूज़ ही नहीं हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी चली गई यहाँ, यहाँ सामान भी कम हो गया। ये मेरी फेवरेट है ये भी, और ये तो अब आती ही नहीं है, बंद हो गई है, ये लास्ट है बस उस ब्रांड की मेरे पास। ये भैरवी ने गिफ्ट भेजा था, आपके साथ शेयर भी किया था लेकिन कोई यूज़ करने की इसकी अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बाकी यहाँ मैनीक्योर पेडिक्योर हेयर कटिंग का सामान है। अब ये सारा सामान तो यूज़ हो ना हो, स्किन केयर तो यूज़ हो जाता है, हेयर प्रोडक्ट भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन नेल पेंट में मैं ये करती हूँ कि ना रोज़ चेंज कर करके लगा लेती हूँ। तो ऐसा है कि ये ड्राई हैं, उससे पहले इनको यूज़ तो कर लें एटलीस्ट, और वीडियो में आपके साथ हाथ भी थोड़े सुंदर लगते हैं, तो ये लगाती हूँ आज। लिपस्टिक है, आई मेकअप के लिए आईब्रो पेंसिल, काजल पेंसिल, इवन ये वाला काजल भी है। लिपस्टिक तो बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, लिप ग्लॉस, और ये देखो ये तो खैर खाली है। नेल पेंट्स हो गए, टू वे नेल पेंट बहुत खूबसूरत था ये लेकिन अब बेकार है। फाउंडेशन, जेल, कोम, और एक ये मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा पास से, जो लोग नहीं जानते उनको अच्छा लगेगा। ये किट प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, वैसे इसको कोई भी ले सकता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे शेड्स होते हैं जो जनरली नहीं मिलते, और ये ड्राई हैं, इसको पानी लगा के यूज़ किया जाता है और इसको रीफिल भी कर सकते हैं। ये देखो आप, ये प्रोफेशनल जहाँ सामान मिलता है वहाँ मिल जाता है और ये यहाँ फिट हो जाता है, क्योंकि ये पूरा किट बहुत महंगा आता है इसलिए। एक मैं आपको दिखाती हूँ खोल के पास से, ये देखो इस तरह से होता है ये, इसको बाहर निकालो, थोड़ा सा कहीं साइड में इसको बनाओ और फिर लगा लो और यहाँ सेट कर दो। और अगर पूरा किट नहीं ले जाना तो एक दो जो भी शेड ले जाने हैं ब्रश के साथ उसको ले जा सकते हैं। यहाँ इनके नाम भी लिखे हुए हैं बीच में, ये भी अब फेंका जाएगा। ये नेल पेंट वैसे भी पील ऑफ नेल पेंट है, इसका मैंने एक रिव्यू वीडियो भी बनाया, अगर आप देखना चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलो इसको लगाते हैं, फिर आगे की बातें आपसे शेयर करते हैं।
से कर लेना चाहिए, हाथों की हीट से ये एकदम रिफ्रेश हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, उससे ज्यादा अच्छा होता है अगर हम इसको ऐसे कर लें। ये खुल भी नहीं रहा, कितने दिनों से बंद, ये खुल गया। एक चीज और आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये जो हमारे ऊपर का हिस्सा होता है ना नेल के पास का, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। इसको थोड़ा सा छोड़ के हमेशा नेल पेंट लगाना चाहिए अगर नेल्स की हेल्थ अच्छी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये हिस्सा ब्लॉक कर देंगे जहां से नेल की ग्रोथ हो रही है, तो नेल के बढ़ने पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और नेल्स हेल्दी नहीं रहते। तो इसलिए नेल्स के जो क्यूटिकल हैं इनको थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद नेल पेंट लगाना चाहिए, एकदम क्यूटिकल में घुसाना नहीं चाहिए नेल पेंट को। सिंगल कोट लगाया मैंने, क्योंकि जब रोज ही लगाना है तो फिर सिंगल कोट भी काफी है। ये नेल पेंट मैंने यहाँ जिस कॉर्नर पर बैठकर लगाया है, ये कॉर्नर मेरा कोविड से मुझे क्योर करने का, मेरी ऑक्सीजन बढ़ाने का, सारा जो मशीनें यूज होती है उसका कॉर्नर है। मैं आज आपको इसमें से एक मशीन के बारे में बताती हूँ, ये वाली, इसको बोलते हैं नेबुलाइजर। इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें ये दो मास्क होते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, अपने फेस के हिसाब से जिसको भी जो सूट करता हो उसको वो यूज कर सकता है। अगला होता है इसमें ये कहाँ लगता है मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। ये है वो मेन मशीन जिसको कि नेबुलाइजर बोला जाता है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नेम, इसमें सारी इंस्ट्रक्शन ऐसे यहाँ लिखी है और इसकी कॉस्ट है 2600 रुपए। और इसमें जो मेडिसिन डलती है, ये दो मेडिसिन इसमें डालते हैं हम, ये डालकर इनहेल करते हैं जब तो हमारे लंग्स क्लियर होते हैं। ये है 118 रुपीज की और ये है 94 रुपीज की। इसकी मैं ऐसा करती हूँ आपको एक डायरेक्ट वीडियो जो हॉस्पिटल में मैंने इसको यूज करते हुए बनाई थी वही डायरेक्ट दिखा देती हूँ। लेकिन वॉइस उसमें फिर से मेरी वैसी ही है, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद वॉइस ओवर किया था, मेरी आवाज वहां बंद हो गई थी तो अब मेरी सांस फिर से फूलने लगी है। तो मैं डायरेक्ट आपको वो वीडियो यहाँ पर ऐड करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये दवाई डालकर हम इस नेबुलाइजर को यूज कर सकते हैं। सॉरी फॉर माय वॉइस, ये वॉइस ओवर में हॉस्पिटल से ही बहुत दिन बात कर रही हूँ ताकि कोविड पेशेंट को हेल्प हो। ये वाइसअप मास्क हटने के बाद ये बैलून मास्क लगता है हमें, जो फिंगर से मॉनिटर पे ऑक्सीजन दिखाता है, पीछे ग्लास पे बबल उठ रहे हैं जिससे कि मेरे इस मास्क में ऑक्सीजन आ रही है नाक के पास जो पाइप है उससे। ये दिन रात लगा के रखना है, हटा नहीं सकते। और जब ये लग जाता है उसके बाद हमारे लंग्स से इन्फेक्शन कफ दूर करने के लिए स्टिमुलाइज करना शुरू किया जाता है, जिसके लिए ये छोटी सी दवाई जो मेरे फेस पे मास्क है, ये आप देखो अलग है, पिछला अलग था। ये दवाई यहाँ जाती है पाइप में और इस मशीन से जोड़ दिया जाता है, ये चलता है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये मुझे सांस लेनी है ताकि मेरे लंग से कफ क्लियर हो। आप पास से देख सकते हो, तो जितना कोविड पेशेंट ये स्टिमुलाइज कर पाएगा। ये दवाई मात्र 18 रुपए की आती है, एक बार चलती है, मशीन भी कोई महंगी नहीं आती, हम घर में खरीद के रख सकते हैं। लेकिन कोविड पेशेंट के लिए
प्राणदायी मशीन है, तो प्लीज़ शेयर करें ताकि लोग इसका खूब फ़ायदा उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।